बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है आज के तनाजुर में। आज से पहले 1994 में जब फर्स्ट टाइम वहाँ पार्टी बेस्ड इलेक्शंस हो गए तो उस वक्त लोगों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, बाहर की दुनिया को भी इतनी समझ नहीं थी और मुकामी लोगों को, क्योंकि उस वक्त भी लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, मगर आज इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर सोशल मीडिया, इसने गिलगित-बल्तिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें दुनिया को बताई, तो दुनिया की नज़रें भी इस खिते के ऊपर हो और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग 2000 तक गिलगित-बल्तिस्तान की सियासी हैसियत के बारे में नहीं जानते थे और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं जानते थे, आज वो भी जानते हैं। तो एक फोकस जो है नेशनल लेवल पे भी जीप को किया जाता है और मुकामी लोग भी, चूँकि इलेक्शंस नेशनल लेवल पे कुछ और टाइम पे होते हैं और जीबी में किसी और वक्त में होते हैं, तो इस हवाले से भी आप देखें तमाम पार्टीज़ का एक फोकस हो जाता है। वो यहाँ के इलेक्शन से फारिग हो चुके होते हैं तो जीबी के इलेक्शन पे उनका एक फोकस होता है। आप देखें इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने जो हेड्स हैं वो भी वहाँ आते हैं कंपेन चलाने के लिए, और बाकायदे तौर पे नेशनल हमारी जो पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, उनके जो सेक्रेटरीट है वहाँ पे पूरा एक डेस्क और पूरा एक सेक्शन और मॉनिटरिंग का पूरा एक निज़ाम बनाया जाता है और फिर एक इन्वेस्टमेंट की जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज आज से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। पिछले दो इलेक्शंस में हमने देखा कि गिलगित-बल्तिस्तान में यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ बाकायदा इन्वेस्टमेंट करती है, अपने कैंडिडेट्स को पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीतने के काबिल हो सके। तो मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान का एक फोकस वहाँ पर होता है और मुकामी लोग भी जो है, आप देखें लिटरेसी रेट गिलगित-बल्तिस्तान में ज़्यादा है हमारी, तो इवन आप देखें पाकिस्तान के मुकाबले में गिलगित-बल्तिस्तान में, दिगर शोबों के मुकाबले में गिलगित-बल्तिस्तान में ख्वातीन जो है वो बड़ी तादाद में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। और अब इस दफ़ा आप देखें यंग बड़ी बहुत ज़्यादा ख्वातीन आई हैं। इस दफ़ा भी हम ये तवक्कु कर रहे हैं कि जो कमिंग इलेक्शंस हैं उसमें एक बड़ी गहमागहमी हमें नज़र आएगी। सियासी जमातें जो है ग्रास रूट लेवल तक अपनी जो है एग्जिस्टेंस को बनाने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। यही सूरत हाल गिलगित-बल्तिस्तान में भी है। आपको ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। पॉलिटिकल वर्कर्स को तैयार करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, यूनियन लेवल पे एक बॉडी बनाना, फिर तहसील लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारी चीज़ें तो मौजूद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर पार्टी का एक सेटअप मौजूद है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो मोबिलाइज करते हैं। प्रॉपर कोई हमने नहीं देखा है कि कारकुनों की कोई फ्रिस्ट बनती हो और कोई एक प्रोसेस से वर्कर्स कन्वेंशन्स पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कुछ पार्टीज़ ने की है, लेकिन वो भी ऐसे जनरल टाइप का था, कोई प्रॉपर हमारी वो चीज़ें नज़र नहीं आती है। मगर ये कि जो आप जिस अंदाज में कहते हैं होने चाहिए, जिस तरह दुनिया की दिगर जमहूरियतों में ये होता है, होना तो चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसी वजह से आप देखें हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक पूरा इदारा होता है और वो हमें कमज़ोर इदारे नज़र आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर होने की वजह से वहाँ से लीडरशिप भी ऊपर के सामने नहीं आती। ये अलमिया सिर्फ गिलगित-बल्तिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। जब से पार्टी बेस्ड इलेक्शन शुरू हुए गिलगित-बल्तिस्तान में 1994 के बाद, हमने देखा कि इनका ग्राफ गिरता रहा है। ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसकी वजह यह है कि हमने माजी में देखा जब वहाँ पे ये सेटअप नहीं था, ये ऑर्डर नहीं दिया गया था और गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होते थे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट 80s या अर्ली 80s या लेट 70s में या इवन मतलब लेट 60s के अंदर भी पॉलिटिकल जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी उनका बड़ा एक इमेज हुआ करता था। आपने देखा बहुत सारी तहरीकें चली जो उन पार्टीज़ ने, ये जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी इन्होंने लीड किया। 2000 के बाद इन्होंने एक अलायंस बनाया था गिलगित-बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जिसमें 5-6-7 जो है पार्टियाँ मौजूद थी और वो ग्राउंड पर नज़र आती थी। अब ऐसा नहीं है, उनकी एक आध पार्टी है, एक शख्सियत है, जैसे नवाज खान नाजी साहब अपने हलके से पिछले दो इलेक्शंस जो है उन्होंने उसमें कामयाब हो गए। उसमें भी लोगों का ये ख्याल है कि ये पार्टी का वोट कम है, उनकी ज़ाती शख्सियत के ऊपर जो है लोग ये वोट देते हैं। तो मजमूई तौर पे जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनका हमने देखा कि शायद उनकी प्लानिंग ऐसी नहीं थी, उनकी स्ट्रेटजी में कोई कोताही रह गई कि उनका जो प्रोग्राम था सियासी प्रोग्राम वो शायद लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सका। और इलेक्शंस के दिनों में वो डबल माइंडेड हो जाते हैं,
बहुत सारे लोग कहते हैं हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं जाना चाहिए। इस गहमा गहमी में वो अपना कोई मंशूर भी तैयार नहीं कर पाते। इस दफ़ा फिर कुछ कैंडिडेट्स हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनका कोई मैनिफेस्टो हमें प्रॉपर, इवन पार्टी का मैनिफेस्टो देन इलेक्शंस का मैनिफेस्टो हमें कोई कहीं पर नज़र नहीं आता है। जो एक एजुकेटेड यूथ है जो चीज़ देखना चाहती है वो नज़र नहीं आती है। माजी के इलेक्शंस को अगर हम देखें गिलगित-बल्तिस्तान में, तो जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे अपने आप को मनवाती रही है, जैसे JUI है और वहदतुल मुस्लिमीन है, इस्लामी तहरीक है। ये वो पार्टीज़ हैं जिनके बगैर जो मेन स्ट्रीम दिगर पार्टीज़ थी जो नॉन रिलीजियस थी वो अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकी। इनके साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत कायम की। तो हमें यकीन है, हमें इस बात पे यकीन इसलिए है कि रिलीजियस माइंडसेट तो मौजूद है गिलगित-बल्तिस्तान में, तो वो रिलीजियस माइंडसेट किसी न किसी तरीके से इसको सपोर्ट करता है, ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो हमें ये नज़र आता है कि फ्यूचर में भी ये स्टेक होल्डर के तौर पे अपना वजूद बरकरार रखेगी गिलगित-बल्तिस्तान। PTI के हमारे दोस्त जो ख्वाब देख रहे हैं वो माजी के तजुर्बात की बुनियाद पे देख रहे हैं, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान में ये रहा है कि वफाक में जिस पार्टी की गवर्नमेंट रही उसी पार्टी ने मेजॉरिटी वहाँ पे उसके साथ अपनी हुकूमत बनाई। तो इनका अभी भी ये ख्याल है कि चूंकि वफाक में इनकी हुकूमत है तो ये बनाएंगे, और वहाँ के लोगों की भी ये साइकी है कि वफाक के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि PTI के लिए तो एक एज है जिसकी वजह से वो ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इलेक्शन जीतेंगे और अपनी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये 2-3 दफ़ा माजी में ऐसा हुआ है, हो सकता है कोई और पेंतेरा बदल लें लोग और कोई और सूरत हाल सामने आ जाए जिसमें एक नहीं कई पार्टियां मिल के हुकूमत बनाएं, ये भी हो सकता है। मगर सरदस्त माजी के तजुर्बात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि PTI जो है कमिंग गवर्नमेंट बनाएगी। चूंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ तो हम वोटर्स की भी तरबियत करते हैं, हम कैंडिडेट्स की भी तरबियत करते हैं, और हम इलेक्शंस मॉनिटर भी करते हैं, पूरे पाकिस्तान में करते हैं। और गिलगित-बल्तिस्तान के पिछले जो दो इलेक्शंस 2009 का और 2015 का हमने मॉनिटर किया है और उनकी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हो गई हैं। हमारा बुनियादी काम ही ये है कि हम वोटर्स को सिखाते हैं कि वो इलेक्शंस के दिनों में किस तरह अपने हकूक को मनवाने के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसको कहते हैं इलेक्शन प्लेजेस, वो वादे ले लें। और इसमें ऐसा है कि निचली सतह पर लोग अगर मुनज़्ज़म हो तो वो उन अपने जो मुतालिबात हैं उनको पार्टीज़ के मंशूर में शामिल करा सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से जो अपना इलेक्शन मंशूर लाती हैं उसमें शामिल कराएं। और दूसरा ये कि जब कैंडिडेट्स आते हैं उनके पास तो उनसे इलेक्शन प्लेजेस ले लें। प्लेजेस इस तरह होता है कि आप मसलन मेरे गांव में ये मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, तो मैं उससे ये वादा ले लूँ कि वो जीतेगा तो उसके बाद इनके ऊपर अमल करेगा। जब ये प्लेजेस ले लेंगे और ये रिटर्न शक्ल में किसी जगह ये महफूज करेंगे तो बाद में इसका फ़ायदा ये होगा कि 5 साल के बाद अगर वो जीतने वाला कैंडिडेट दोबारा उनके पास आएगा तो उनके पास एक लिस्ट होगी उसका इवेल्युएशन का, वो देखेंगे कि इसने ये वादे हमसे किए थे और 5 साल तक कितने वादे इसने पूरे किए। अगर उसने वादे पूरे किए हैं तो दोबारा वो उसको जिता सकते हैं, अगर वादे पूरे नहीं किए हैं तो वो उनको बता सकते हैं कि ये वादे तो आपने पिछले इलेक्शंस में किए थे। तो हमारी जो डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ आवाम की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है। हम 5 साल के अंदर सारी तकरीरें, बातें, वादे सारे भूल जाते हैं, जिसका गलत फ़ायदा उठा के वही कैंडिडेट्स हर 5 साल के बाद दोबारा आते हैं और हमसे वोट लेके चले जाते हैं। जब वो काम नहीं करते हैं तो हम चीखते हैं और आखिर में हम उसमें जब देखा जाए तो वो गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने अपने मुतालिबात कभी उनसे मनवाए ही नहीं, उनके साथ बैठ के हमने बातचीत नहीं की, उनसे वादे नहीं लिए और उनको हमने मजबूर नहीं किया कि वो हमारे जो है बुनियादी मसाइल हल करें। गिलगित-बल्तिस्तान में नेशनलिस्ट जितनी भी तहरीकें चली उनका आगाज़ गेजर से हुआ है, और फर्स्ट टाइम किसी नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल लीडर है उनको भी इलेक्ट गेजर के लोगों ने किया है। और गिलगित-बल्तिस्तान का पहला जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव था उसका ताल्लुक भी गेजर था, पीर सईद करप अली शाह। हमारे तीनों हलकों की अपनी अपनी डायनेमिक्स हैं। जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है पीर सईद करप अली शाह साहब का, वो कोई 40 साल तक उस हल्के से कामयाब होते रहे,
और आज उनका बीच में फिर ब्रेक हो गया और नाजी साहब को डायरेक्ट एक पीर से उठा के लोगों ने एक नेशनलिस्ट को जितवाया, दो दफ़ा जिताया, और अब पीर साहब के बेटे दोबारा आए हैं, तो वो एक सूरत हाल हमें तब्दील नज़र आ रही है। आगे जाके क्या होगा ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे वो सामने आए हैं। नाजी साहब भी वहाँ मौजूद हैं और पीटीआई यकीनन अपना टिकट वहाँ किसी ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट को देगी, तो पीटीआई का कैंडिडेट भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट होगा। तो तीन कैंडिडेट्स यहाँ तो वाजे तौर पर है। फिर सामने हल्के में एक और सूरत हाल है, हल्का दो गज़र जिसको कहा जाता है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनमें से वाजे नहीं है किसी की भी जो है पोजीशन वाजे नहीं है, तो उसकी भी अपनी एक मतलब वो है एक दिलचस्प कहानी है। और सेम यासीन के अंदर भी है, वहाँ चंद एक तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं मगर नहीं है, बहुत सारे चेहरे आए हैं, तो वहाँ की सूरत हाल क्या होगी ये अंदाज़ा नहीं। जिस तरह आपने इशूज़ की बात की, जैसे आपने पूछा, तो इश्यूज़ तो निचली सतह पे बहुत ज़्यादा हैं, यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मगर बड़े इश्यूज़ जिनकी हम बात करना चाहेंगे वो ये है गेज़र चित्राल एक्सप्रेसवे, चूँकि ये कनेक्टिविटी का और ये कम्युनिकेशंस का और ये मामला बहुत बड़ा है, इससे रास्ते खुलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और वहाँ पे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एक और जो पीर साहब अपने ज़माने में भी इसका जिक्र करते रहे और हमारे लीडर्स भी करते हैं, गेज़र ताजिकिस्तान रोड, अगर ये इंटरनेशनल एक रूट बन जाता है तो गेज़र न सिर्फ गेज़र की तकदीर बदल जाएगी बल्कि गिलगित-बल्तिस्तान की और पाकिस्तान की मैशियत के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक फैक्टर साबित होगा। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, उन पे अगर कोई गिरफ्त रख के ये यहाँ के हमारे जो लीडर्स हैं, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स जा रहे हैं, वो अगर इस तरह के ब्रॉडर और बड़े लेवल के इश्यूज़ को लेके आगे चलें तो वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं।